नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है, जिनको लेकर अब रिया चक्रवर्ती का एक रिएक्शन आया है। दरअसल इस दौरान जब सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को एक बार फिर से कवर किया जा रहा है, एक बार फिर से कई नए दावे किए जा रहे हैं, इस बीच में रिया चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसे लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से इस मौत में उनका नाम जोड़ा गया और जो कुछ भी उनके साथ हुआ उन सब चीज़ों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें अपने रिएक्शन में वो आग, तूफान, ताकत और शैतान जैसी जो है वो बातें कर रही हैं। क्या कुछ कहा है उनको उन्होंने ये आपको बताया, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कूपर हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने जो कि मॉर्चरी में काम करता है उसने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी वो आत्महत्या नहीं बल्कि बल्कि हत्या है। और उसने ये भी दावा किया है कि जब मॉर्चरी में शव को लाया गया उस समय उसने शव को देखने के बाद उसे ये लगा कि जिस तरीके के चोट के निशान है, जिस तरीके से पैर के टूटने की बात आई, पैर में सुइयों के चुभे होने की बात आई, उन सब चीज़ों को देखकर उसने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो हत्या की गई है। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि अपने सीनियर डॉक्टर से उसने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी कराइए साहब, तो साहब ने कहा कि तुमको जो काम मिला हुआ है वो तुम वो काम करो। इसके बाद लगातार ये मामला जो उठता गया, सुशांत सिंह राजपूत की जो बहनें हैं अब वो पीएम मोदी और अमित शाह को टैग कर ये भी कह रही हैं कि जो मॉर्चरी का ये कर्मचारी है इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको अभी तक क्लोजर नहीं मिला है, उसकी जांच को आगे बढ़ाया जाए और इंसाफ, जो सच हो उसे बाहर लेकर आया जाए। जहां तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है तो रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया, पैसों को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आत्महत्या के लिए सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने ही उकसाया था। हालांकि अब ये मामला जो है हत्या है या आत्महत्या है ये इस बीच अधर में आके अटक गया है, जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मॉर्चरी के कर्मचारी ने, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को तुरंत उसी समय देखा था जब वो पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती ने जो पोस्ट किया वो आपको बता देते हैं। रिया चक्रवर्ती ने पोस्ट करते हुए लिखा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पर, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप आग से गुजरे हैं, बाढ़ से बचे हैं और राक्षसों पर जीत हासिल की है। अगली बार जब आप अपनी शक्ति पर शक करो तो इसे याद रखना। तो ये रिएक्शन जो है रिया चक्रवर्ती का उस दौर में आया है जब सुशांत सिंह राजपूत की खबर जो है वो तेजी से उनको न्याय दिलाने की बात जो है, उनकी मौत को क्लोजर दिलाने की बात जो है वो कही जा रही है। आपको याद दिला दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी थी वो उनके फ्लैट से मिली थी, कई सारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें उनकी वायरल भी हुई थी उस दौर में। हालांकि तब मुंबई पुलिस ने कहा था कि इन तस्वीरों को अगर शेयर किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल यही है इस पे केस में रिया चक्रवर्ती का रिएक्शन आया है और लोग इसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ जोड़कर देख रहे हैं और तरह तरह से इस मामले पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपका रिएक्शन क्या है इस खबर पर, नीचे आकर कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।